ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। गवर्नमेंट की तरफ से जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया था उनके अकाउंट में हज़ार रुपये क्रेडिट कर दिया गया है। तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पहली किस्त ₹1000 आया है या फिर नहीं आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आप लोगों को करना है गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे आप लोगों को सर्च बार में सर्च कर लेना है PFMS। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नो योर पेमेंट। सिंपल इस पर क्लिक करना है। नो योर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाले में आप लोगों को यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। जब आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे तो उस समय जो अकाउंट नंबर दिए होंगे, जिस बैंक का अकाउंट नंबर दिए होंगे, वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमको यहाँ पे इंटर अकाउंट नंबर, जो मैंने अकाउंट नंबर दिए थे ई श्रम कार्ड बनाते समय, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करना है। तो मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आप लोगों को सिंपल नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे और OTP आप लोगों को फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यदि आपके गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट में ₹1000 का पहले किस्त आया होंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस वेबसाइट में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड तो है लेकिन बट यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।